अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अक्सर? आज मैं आपको बताऊंगा कि तशील की ऐप जो है मोहरे, उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोहरे सेटअप फुल इसको ओपन करते हैं। मैंने नंबर दिए हुए हैं ताकि आपको पता लगे कि कौन सा सेटअप पहले चलाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्राइवर इंस्टॉल करना है कार्ड रीडर का। ये ड्राइवर है, ये कार्ड रीडर का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है। अब दूसरे नंबर पे हमें इंस्टॉल करना है C++ विजुअल। डायनामिक वेब टूल जो है इसको इंस्टॉल करना। अब हम जावा इंस्टॉल कर लेते हैं। याद रहे कि जावा का सिर्फ यही वर्जन डाउनलोड करना है और इसको इंस्टॉल करना है, और इसके अलावा कोई वर्जन नहीं चलेगा इस पे। जावा भी इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमने ये वेब टूल इंस्टॉल करना है, ये सी ड्राइव में होगा इंस्टॉल। ये इंस्टॉल हो चुका है इसके। अब चलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन पार्ट की तरफ, और ये भी हम एमरेट्स आईडी, इसका भी नया जो ड्राइवर है वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम चलते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट की तरफ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जितनी भी है उनकी तरफ अब चलते हैं हम लोग। यहाँ नीचे आए और आप यहाँ देख सकते हैं ये लिंक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और इसको पेस्ट करके एंटर करना। ये देख सकते हैं कि यूआरएल ऑलरेडी यानी कि सक्सेसफुल ऐड हो चुका है। अब हम चलते हैं सी ड्राइव में, और ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट सोर्स वेब टूल है। इसके नीचे ये एप्लीकेशन फाइल है, इस पर राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। यहाँ पे फाइल ओपन हो जाएगी, ये देखिए फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम इसको ऐड स्टार्टअप करते हैं और बाइंडिंग पोर्ट करते हैं। बाइंडिंग पोर्ट हो चुकी है, अब चेक सर्विस करके चेक करते हैं कि ये पोर्ट इसकी एक्टिव हो चुकी है नहीं। जी हाँ, ये देख सकते हैं पोर्ट एक्टिव हो चुकी है। प्रोसीड टू अनसेफ, ये देख सकते हैं ये चल रहा है। और इसी तरीके से अब हम चलते हैं जो कार्ड रीडर हमने इंस्टॉल किया था उसको हम चेक करते हैं कि वो भी चल रहा है या नहीं। बिल्कुल नीचे आ जाएं यहाँ पर, और
ये लिंक है, इसको ओपन करके हम चेक करते हैं। अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, इसको चेक करते हैं कि क्यों एरर दे रहा है। अब हम चलते हैं नोटपैड, ओपन करते हैं, इसको भी रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। फाइल मेन्यू, ओपन, सी ड्राइव, विंडोज, सिस्टम 32, यहाँ ड्राइवर्स, यहाँ एक्स्ट्रा ETC, यहाँ पे फाइल टाइप चेंज करनी है, ऑल फाइल्स और होस्ट। इसमें देखते हैं कि टूल किट एजेंट ऑलरेडी ऐड हो चुका है, सो क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं जावा की तरफ। मैंने क्योंकि कार्ड रीडर इस टाइम अटैच नहीं किया हुआ, तो आई थिंक ये उसकी की वजह से एरर दे रहा है। हम चलते हैं जावा की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और टूल्स में गए, इंटरनेट ऑप्शन में गए, यहाँ जावा को इनेबल कर दिया। यहाँ सिक्योरिटी में जाना है, ट्रस्टेड साइट्स में जाना है और इसका ट्रस्ट लेवल लो करना है। और ये हमारी वेबसाइट है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको साइट्स में जाके इसको ऐड करना है। देख सकते हैं ऐड हो चुका है और बाकी किसी सेटिंग को यहाँ पर नहीं चेंज करना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग हुई भी है। अब यहाँ सिक्योरिटी में जाके अलाउ सॉफ्टवेयर टू रन, इसके ऊपर चेक करना है आपने और ओके क्लिक कर देना। हम जावा की सेटिंग में चलते हैं, इसकी अपडेट्स बंद कर देनी है। जावा सिक्योरिटी में गए, एडिट साइट लिस्ट में गए और यहाँ पे हमने साइट ऐड करवानी है। एक और हम ऐड करवा देते हैं इसका URL और ये सेटिंग्स भी हो चुकी हैं। अब हम अगेन इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करते हैं और इंटरनेट ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट ये वाला जो पेज ओपन हो, ये हम इसका लिंक दे दिया है। यहाँ पे दोबारा ओपन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जावा इंस्टॉल हो चुका है और इसको यहाँ पे आपने लेटर पे क्लिक करना है। अब यहाँ देख सकते हैं कि जावा इंस्टॉल हो चुका है और आप अगर कार्ड रीडर लगाएंगे तो वो भी काम करेगा। अगर ये एरर आ रहा है यहाँ पे तो सिर्फ इसको ओके करना है और कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिस्टम मेरा इंस्टॉल हो चुका है। कार्ड रीडर लगा नहीं हुआ तो इसलिए यहाँ पे एरर आया।